फ्रेंड्स वेलकम बैक अगेन इन नोट्स तो पार्ट यूनिट का पार्ट सेवन हम पढ़ रहे थे ठीक है तो पार्ट सेवन में हम देखने जा रहे हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स ऑफ ठीक है तो इससे पहले लेक्चर में हमने देखा कि हमारा कौन कौन सा जब इंजन रेसिपुकेटिंग मैकेनिज्म काम करता है तो वहा पे कौन कौन से अनबैलेंस फोर्स एक्ट होते हैं इज हैंडरी फोर्स एंड एंड कपल फोर्स 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 प्राइमरी सेकेंडरी तो उसको बैलेंस करेंगे कैसे थियोरिटिकली हम बैलेंस करें यहाँ पे हम वो सीखेंगे ठीक है तो हमने कंसिडर रेसोपोकेटिंग इंजन मैकेनिज्म तो हमने एक मैकेनिज्म बनाया दिस इज माय क्रैंक एंड दिस इज कनेक्टिंग रॉड ये पिस्टन क्रैंक का लेंथ एल क्रैंक कनेक्टिंग रॉड का लेंथ एल क्रैंक का लेंथ uh, दिया है रेडियस आर ठीक है पिस्टन से सेंटर तक का डिस्टेंस एक्स ओमेगा वेलोसिटी से एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है और लाइन ऑफ स्ट्रोक और क्रैंक रोड के क्रैंक uh, के बीच का जो थीटा है दैट इज एंगल थीटा लेट एम मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट एम क्या है मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट ठीक है याद रखना सिर्फ एम मीन्स मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट एल इज़ द लेंथ ऑफ कनेक्टिंग डॉट दैट इज़ पी सी आर इज द रेडियस ऑफ क्रैंक ओ सी थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लेनेशन ऑफ क्रैंक विद द लाइन ऑफ स्ट्रॉक ये क्रैंक का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद लाइन ऑफ स्ट्रॉक द ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द क्रैंक ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड ऑफ क्रैंक एंड एन इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड टू द क्रैंक लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक एल अपॉन आर इज द रेशियो ऑफ ओके। नाउ, वी दैट एक्सेलरेशन ऑफ़ द टिंग पार्ट इज एक्सेलरेशन इज कल टू ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा अपॉन एन तो ये जब आप इनर्जी फोर्स का टॉपिक पढ़ रहे होगे ठीक है आई थिंक ये सेकंड सेम में आपके होगा टोम में तो जब आप इनर्शिया फोर्सेस पढ़ रहे होगे तो उसमें जब हम लोग इंजन का एक्सीलरेशन कितना एक्सीलरेशन वैल्यूसिटी क्या होगी उसकी इंजन होता है था ऐसा मैकेनिज्म का उसकी वैल्यूसिटी क्या होगी उसका एक्सीलरेशन क्या होगा जब वहाँ पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पर एक फॉर्मूला निकाला था एक्सीलरेशन का कि जो निकला था ओमेगा स्क्वायर आर कॉस ठीठा प्लस कॉस टू ठीठा अपॉन एन तो वही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ठीक है मैं यहाँ पे पूरा इसे एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आप ये पढ़े हुए हैं इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ ठीक है ना देर फोर एक्सेलरेशन निकल गया इनर्शिया फोर्स हम जो हमारा इनर्शिया फोर्स का अपोजिट था uh, प्राइमरी सबसे पहले इनर्शिया फोर्स कितना है वो निकालते हैं फिगर so, देखें ये एफ आई इनर्शिया फोर्स और एफ आर हमारा क्या था फोर्स रिक्वायर टू एक्लेटेड रेसिपोकेटिंग पार्ट एक दूसरे को बैलेंस कर लिया और एफ आई और एफ बी एच जो प्राइमरी सेकेंड फोर्स ये भी इक्वल एंड अपोजिट है बट नॉट इन बैलेंस कंडीशन सो हम एफ आई सबसे पहले तो कैलकुलेट करेंगे तो एफ आई हम कैलकुलेट कर रहे हैं uh, क्या हो जाएगा एफ आई मास इंटू एक्सेलरेशन मास हमारा एम मास ऑफ़ पार्ट इज एम ठीक है और एक्सीलरेशन इट इज ओमेगा स्क्वायर आर थीटा प्लस अपॉन एम ठीक है नाउ

अनबैलेंस फोर्स एफ यूज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस सीटा प्लस कॉस टू थीटा अपॉन एन दोनों को अलग कर लें लेम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस कॉसिटा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस टू थीटा बाई एन ठीक है दे आर फॉर एफ यू इज इक्वल टू ये जो कंपोनेंट है हमारा प्राइमरी फोर्स और ये कंपोनेंट जो है सेकेंडरी फोर्स बता रहा है द एक्सप्रेशन एफ पी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर थीटा इज नोन एज प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स एंड द एक्सप्रेशन एफ एस इज इक्वल टू वन बाई एन एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस टू थीटा इज नोन एज सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स ओके

प्राइमरी मैक्सिमम प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स का फॉर्मूला बनना ठीक है सेम सेकेंडरी सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स का मैक्सिमम सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स क्या हो जाएगा एफ एस ए मैक्मम वन ठीठाजल टू जीरो नाइन्टी डिग्री वन एटी डिग्री और थ्री सिक्सटी डिग्री कॉस टू थीटा देखो अगर मैं कैल्सिस आपको दिखाऊं कि अगर कॉस जीरो क्या होता है वन मैक्सिमम कंडीशन ठीक है कॉस वन एटी माइनस वन ये भी मैक्सिमम कंडीशन ठीक है cos theta, अब कॉस टू थीटा अब कॉस टू थीटा है तो कॉस

यहाँ पे समझ में आ गया होगा तो हमने क्या किया यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स जो हमारा है उसे कैलकुलेट किया उसमें देखा कि उसमें दो टाइप के फोर्स एक्ट हो रहा है एक प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा है एक सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा है तो हमने वो दोनों को क्या कि उसका मैक्समम क्या होगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया ठीक है